ट्रिप के मैदान में बड़ी तहकीक, दुनिया के 29 ममालिक में होने वाली रिसर्च में पाकिस्तान भी शामिल। मारूफ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की निगरानी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने भी रिसर्च में हिस्सा लिया। चंद रुपए का इंजेक्शन ट्रांसमिक एसिड से हेड इंजरी के मरीजों में 20% शरामवाद कम हो सकती है। और ख्वाजा बरादरान का एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक की वकला को फैसला चैलेंज करने की हिदायत। कहा, दो सालों से इंसाफ के लिए दरबदर हैं। पुलिस हुकाम ने साद रफीक को मीडिया टॉक करने से भी रोक दिया। ट्रिप के मैदान में बड़ी तहकीक, दुनिया के 29 ममालिक में होने वाली रिसर्च में पाकिस्तान भी शामिल। मारूफ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की निगरानी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने भी रिसर्च में हिस्सा लिया। चंद रुपए का इंजेक्शन ट्रांसमिक एसिड से हेड इंजरी के मरीजों में 20% शरामवाद कम हो सकती है। और ख्वाजा बरादरान का एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक की वकला को फैसला चैलेंज करने की हिदायत। कहा, दो सालों से इंसाफ के लिए दरबदर हैं। पुलिस हुकाम ने साद रफीक को मीडिया टॉक करने से भी रोक दिया। ट्रिप के मैदान में बड़ी तहकीक, दुनिया के 29 ममालिक में होने वाली रिसर्च में पाकिस्तान भी शामिल। मारूफ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की निगरानी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने भी रिसर्च में हिस्सा लिया। चंद रुपए का इंजेक्शन ट्रांसमिक एसिड से हेड इंजरी के मरीजों में 20% शरामवाद कम हो सकती है। और ख्वाजा बरादरान का एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक की वकला को फैसला चैलेंज करने की हिदायत। कहा, दो सालों से इंसाफ के लिए दरबदर हैं। पुलिस हुकाम ने साद रफीक को मीडिया टॉक करने से भी रोक दिया।